तो दोस्तों, प्री स्कूल फ्रेंचाइजी एक एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। अगर प्री स्कूल एजुकेशन इंडस्ट्री की करंट वैल्यू देखें तो वो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और CAGR 23% से भी ऊपर है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा स्कूल का सिस्टम बना के दिया जाता है और आपको वो अपने सिटी में मॉडल कॉपी करके चलाना है। इसके लिए आपको एजुकेशन फील्ड का ही एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में कौन से प्री स्कूल है जो 5 लाख के अंदर हमें फ्रेंचाइजी देते हैं। तो प्री स्कूल फ्रेंचाइजी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं देगा, पर आपको ब्रेक इवन आने तक 2 साल, 3 साल, कई बार 4 से 5 साल तक भी वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट निकलेगा और यह आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्री स्कूल आपके लिए प्रॉफिटेबल तब साबित होगा जब आपकी खुद की 2,500 स्क्वायर फुट की जगह है। तो यहाँ पर वर्किंग कॉस्ट अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो फिर तो आपके लिए एक बढ़िया मॉडल है। तो आप कोई भी ब्रांड ले लो, आपको एडमिशन कराने आने चाहिए, आपको एक अच्छा काउंसलर चाहिए जो कि एडमिशन क्लोज करेगा, अच्छे टीचर्स चाहिए, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब आपके स्कूल में एडमिशन्स होंगे, तब जाके ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और आपको ये लॉन्ग लाइफ वाला बिजनेस है तो इसे उसी नज़र से देखना पड़ेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग प्री स्कूल फ्रेंचाइजी आपको कुछ बातें अच्छी सी समझनी पड़ेगी, जैसे कि रॉयल्टी, फ्रेंचाइजी फीस, सेटअप, फ्रेंचाइजी सपोर्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी। मतलब हर एक कंपनी जो फ्रेंचाइजी ऑफर करती है वो 2 टाइप में बेसिकली ऑफर करती है, एक यूनिट फ्रेंचाइजी, दूसरी मास्टर फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, साइट इंस्पेक्शन, एग्रीमेंट एंड साइनिंग, ट्रेनिंग एंड हायरिंग पीपल। तो उसके बाद आप एडमिशन करा के स्कूल शुरू कर सकते हो। तो काफ़ी कन्वीनियंट टाइम पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप स्कूल चलाकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलो देखते हैं कि कौन सी मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो पहली कंपनी यहां पर है एरो किड्स। तो एरो किड्स यहां पर हाईली प्रॉफिटेबल नो रॉयल्टी फ्रेंचाइजी प्री स्कूल दे रहा है। इनका यूनिक फ्रेंचाइजी कंसेप्ट पूरा आपको ट्रेन करेगा कि प्री स्कूल कैसे चलाना है। ऑल ओवर इंडिया में इनके 50 से भी ऊपर सेंटर्स खुल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको प्री डिज़ाइन ऑपरेटिंग मैनुअल्स, लोकल मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, बच्चों के लिए जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो यहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस कंपनी को देनी पड़ेगी, जो कि 1.5 लाख से 6 लाख तक वेरी करती है और वो आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो आपको जगह होनी चाहिए नियर अबाउट 3,000 स्क्वायर फुट के आसपास, जो कि मोस्टली ग्राउंड फ्लोर पर ही होनी चाहिए। तो ज़्यादातर फ्रेंचाइजी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी फीस जो है वो 3 साल के लिए, इनिशियल ट्रेनिंग, करिकुलम, फ्रेंचाइजी किट, बच्चों का फर्नीचर, स्कूल का डेकोरेशन, एजुकेशनल टॉयज़ और प्री स्कूल मैनेजमेंट ऐप, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, जिसके चलते आपको बिना एक्सपीरियंस का आप अच्छा सा प्री स्कूल चला सकते हो। तो दूसरी कंपनी है एप्पल किड्स प्री स्कूल। तो एप्पल किड्स यहाँ एक इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्री स्कूल चेन है, जहाँ पर आपको 15 साल का एक्सपीरियंस इनका मिलता है और 150 से भी ज़्यादा इनके फ्रेंचाइजीज खुल चुके हैं। तो ये एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो 2 लाख से 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपको जाती है। साथ ही आपको स्टाफ का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सपोर्ट, प्रमोशनल मटेरियल्स, कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट, एक्सपर्ट सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसमें आप एकेडमिक जो इश्यू रहते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, मतलब 1,000 स्क्वायर फुट के आसपास आपको जगह चाहिए और यहाँ पर आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा और एक वेल नोन ब्रांड भी मिल जाएगा। तो बाद में आता है कैनवास प्री स्कूल। तो कैनवास का करंट मार्केट देखा जाए तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में है। अभी तक 3,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर टोटल ग्रुप से लेके KG तक सबको एनरोल किया जाता है। इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आने वाले टाइम पर ये बिजनेस मॉडल अच्छा ग्रो करेगा। तो इनके साथ अगर आपको फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी हो तो 3 से 4 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जाएगा टोटल। तो ऑलरेडी इनके 40 से भी ज़्यादा रनिंग बिजनेस मॉडल है, तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो और क्रॉस चेक कर सकते हो। तो बाकी रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम सपोर्ट तो नियर अबाउट सेम ही रहेगा। तो उसके बाद आता है ई जूनियर प्री स्कूल। तो ये कंपनी आपको खुद का प्री स्कूल सेटअप करके देती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको 0 रॉयल्टी और 0 कमीशन बेस पे आपको एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट स्कूल के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तक इन्होंने 20 से भी ज़्यादा स्कूल बना के दिए हैं, तो बहुत ही कम लागत में आपको यहाँ पे प्री स्कूल स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ पे फ्री मार्केटिंग सपोर्ट, करिकुलम सपोर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग भी प्रोग्राम रहेगा।
तो पेरेंट्स, टीचर और सेंटर हेड के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना के आपको मिलेगा। तो बाद में आता है हेलो किड्स। तो मार्केट का सबसे बड़ा और फेमस ब्रांड है ये हेलो किड्स। 25 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, 693 के ऊपर भी इनके ब्रांचेस है और 10 लाख से भी ज़्यादा इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। तो इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनका प्रेजेंस है और ये पहली कंपनी है जिन्होंने नो रॉयल्टी बेस पे अपना एक मॉडल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 टाइप्स के बिजनेस मॉडल बनाए हैं, जिसमें रूरल, सेमी रूरल, अर्बन और मेट्रो सिटी का मॉडल आता है। तो 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक इन्वेस्टमेंट वैरी कर। तो अक्रॉस इंडिया में इनके 25 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ये फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग देते हैं। तो डायरेक्टर का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ईयरली बिजनेस मीट रहती है, तो आपका कंपनी के साथ एक अच्छा खासा लॉन्ग लाइफ कनेक्शन भी बन जाएगा। कंपनी एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस फॉलो करती है, बच्चों के लिए फीस भी इनकी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो उसके बाद आती है लिटिल आइंस्टाइन प्री स्कूल। तो ये कंपनी 2007 में बनी हुई है, इंडिया में लार्जेस्ट प्री स्कूल चेन में से ये एक कंपनी है। तो करंटली 27 स्टेट्स में इनका मार्केट है, आउट ऑफ इंडिया में भी 7 कंट्रीज में इनका फ्रेंचाइज मॉडल चल रहा है। तो और 2019 में इनको एमर्जिंग टॉप प्री स्कूल ब्रांड इन एशिया का अवार्ड भी मिल चुका है। तो फ्रेंचाइजी खड़ी होने से वर्किंग में लाने तक ये आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देगी, जिसमें फ्री ट्रेनिंग, इनिशियल प्रमोशनल मटेरियल कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो इंडिया में 43 से भी ज़्यादा इनके करंटली फ्रेंचाइजी हैं। कंपनी यहाँ पर 2 टाइप की फ्रेंचाइज देती है, एक मास्टर और दूसरी स्टेट मास्टर। तो यहाँ पे आपको एक पैसिव अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप स्टेट मास्टर की फ्रेंचाइजी लेते हो। तो यहाँ पे मास्टर का फ्रेंचाइजी मॉडल जो है, तो उसमें आपको 2 से लेके 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको फ्रेंचाइजी जाएगी, जिसमें आपको रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और स्टेट मास्टर की जो है वो 2.5 लाख से लेके 15 लाख तक जाती है, तो यहाँ पे भी आपको रॉयल्टी नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट वाला मॉडल है माय छोटा स्कूल का। ये कंपनी दिल्ली से है, इनका सबसे बढ़िया मॉडल है ये, ना ही आपसे फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं और ना ही रॉयल्टी। और आपसे जो भी इन्वेस्टमेंट ये लेंगे उसमें से आपको पूरा का पूरा प्री स्कूल का मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बस लोकेशन डिसाइड करनी है और आपको ये पूरा प्री स्कूल का सेटअप वहाँ पे लगाना है। तो आपको प्री स्कूल के सेटअप के साथ पूरा मैनेजमेंट गाइड दिया जाएगा, जिसमें आपका ईयरली क्या शेड्यूल रहेगा स्कूल का, वो भी आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आप अपने इस बिज़नेस को छोटे गांव में भी शुरू कर सकते हो। बच्चों की फ़ीस कितनी रखनी है यहाँ पे भी आप वो डिसाइड कर सकते हो। तो काफ़ी हद तक आपको फ्रीडम है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है वो 75,000 रुपीज़ है। तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे प्री स्कूल शुरू कर सकते हो। आपको जगह की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है, मतलब 1000 स्क्वायर फुट के आसपास काफ़ी जगह है। तो रिमोट एरिया में आप रेंट के ऊपर भी आप ये स्कूल चला सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक अच्छे स्कूल के साथ पार्टनरशिप मिल। उसके बाद अगली फ्रेंचाइजी है पेबल प्री स्कूल। तो पेबल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्री स्कूल है जो कि 2000 में चेन्नई में स्टार्ट हुआ था। रीजनेबल फ्रेंचाइजी फीस के साथ वेल रिसर्च टीचिंग मेथड और प्रूवन बिजनेस मॉडल इनका है। तो पेबल यहाँ पर इनिशियली 3 साल का एग्रीमेंट देता है और आपको पूरा स्कूल स्टार्ट करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो कोई भी फ्रेंचाइजी स्कूल आपको स्टार्ट करने के लिए 2 से 3 महीने लगेंगे। तो एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर सकते हो। तो बिना रॉयल्टी के आपको यहाँ पे ब्रांड मिल जाएगा, 3 लाख से 7 लाख के बीच में आपको ये ब्रांड मिल जाएगा। तो प्रॉफिट जो भी है वो आपके लोकेशन, रनिंग कॉस्ट, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट के ऊपर वेरी करेगा। तो इस फ्रेंचाइजी में टोटल ग्रुप से लेकर डे केयर तक सारी सर्विस दी जाती है और बच्चों के ऊपर भी काम किया जाता है, जैसे कि उनकी लिंग्विस्टिक, क्रिएटिव, कॉग्निटिव, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो उसके बाद आता है शेमरॉक प्री स्कूल। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है जो कि मार्केट में 27 स्टेट में फैला हुआ है। तो शेमरॉक आपको 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड, अनमैच्ड मैनेजमेंट टीम, फर्स्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मॉडल और प्रूवन सक्सेस और प्रॉमिसिंग फ्यूचर के साथ एक्सलेंट रिटर्न्स एंड सेटिस्फैक्शन वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो 500 से भी ज़्यादा इनके फ्रेंचाइजीज है, तो इसी वजह से शायद ये रॉयल्टी भी लेते होंगे जो कि 15 से 20% तक जाती है। तो इनकी फ्रेंचाइजी फी आपको 2 से 3 लाख तक मिल जाएगी। तो यहाँ पे आखिरी वाला है वो है वाओ किड्स का फ्रेंचाइजी मॉडल। तो वाओ किड्स ये कंपनी आईआईटी एल्युमिनी ने बनाई है और इनको 15 साल का फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस भी है। 163 से भी ऊपर इनके सेंटर्स खुल चुके हैं पूरे देश भर में। बिजनेस मॉडल तो जीरो रॉयल्टी पर ही है, पर इनकी बाकी कॉस्टिंग भी काफ़ी कम है। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल से भी इनको अच्छा सा रिकमेंडेशन मिला हुआ है। तो 2019 में मोस्ट एडमिरेबल ब्रांड का भी अवार्ड मिल चुका है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिटी आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। तो उस फीस में आपको कंपनी काफ़ी सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करेगी। तो प्री स्कूल स्टार्ट करने से पहले आपको लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पे हो तो फिर तो बढ़िया रहेगा। इस बिजनेस लाइन में आपको
ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो मैनेज करना आना चाहिए। अभी यहाँ पर हमने जो भी फीस बताई है वो फ्रेंचाइजी फीस, रॉयल्टी और कमीशन फीस के बारे में बताया है। एक्चुअल कॉस्टिंग बजट आपको ज़्यादा रखना चाहिए, इसमें काफ़ी सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती है, स्टार्टअप कॉस्ट रहेगा। तो अगर आपको प्री स्कूल बिजनेस में एंट्री करनी है तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ तो हम शेयर करते रहेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।